ये देखिए, ये अरे वाह, ये देखिए दोनों मिक्स है, यानी कि इसमें दोनों मिक्स है, कोई कह पाएगा कि इसमें ब्रांड भूसी दोनों मिक्स है? वाह, एकदम महीन आटे जैसे। और ये कैटल फीड में तो सर ये अपना बना ले आराम से, आप देख लीजिए, आप खुद जानते हैं इसको कैटल फीड में कितने। और ये 1.5 रुपए के बजाय अब सर यही चीज बिकेगी, मुझे लगता है 10-12 रुपए, 10-12 रुपए कम से आराम से। पॉलिशर होता है जो अदर कंपनी का पॉलिशर होता है, वो क्या होता है, दो पत्थर के बीच में एक पाइप लगी होती है, उस पाइप से ये नुकसान है वो ट्रैक्टर पे लोड बैठाता है, कम से कम 5 से 7 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर पे लोड बैठाता है, और कम से कम चावल का 5-7% टूटन बैठाता है। अच्छा, हाँ, वही चावल का टूटन आ जाता है, टूटन आ जाता है। दोस्तों नमस्कार, विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में हूँ, टांडा रोड से बात कर रहा हूँ आपसे, जो कि अम्बेडकर नगर जिले में है और राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। और हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी मशीनरी की बात हो तो जो सबसे आधुनिकतम मशीन हो उसकी जानकारी हम जरूर आपको लेके आए। और इस बार इंडिया की सबसे लेटेस्ट जो मशीन है यहाँ पर मेरे साथ खड़ी है वो है राइस मिल। और हमारे साथ जुड़े हैं हर्षित जी, जो कि विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स के यहाँ पर ऑनर हैं। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, और बहुत बहुत स्वागत है। इस बार ये जो बड़ी सी मशीन मैं देख रहा हूँ बहुत खास लग रहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये इन सब मशीनों से थोड़ी अलग मशीन है जी, ये हमारे किसान भाइयों के लिए स्पेशली बनाई गई है मशीन। अच्छा, हाँ, ये मशीन सेम है, बस इसमें जो भूसी होती है छिलका, इसको भूसी को पीस के इसको ब्रांड बना दिया जाता है। अच्छा। एकदम महीन ब्रांड। सर एक मिनट वहाँ बता दूं मैं, हाँ? कि राइस मिल से एक कदम आगे है, हाँ? कि भाई राइस मिल में चावल निकलती है, उसके बाद उसकी छिलका निकलती है, ब्रांड निकलती है, लेकिन इस बार एक स्टेप अलग है कि वो आप पीस करके ब्रांड बना देंगे, उसका भूसी का आटा निकाल लें, भूसी का आटा निकाल लें। जी जी, ठीक है। तो प्रोसेसिंग समझाएं सर स्क्रैच से, कहाँ से शुरू करें? ये मशीन थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी अलग है, इसमें सेम धान डाला जाता है, ये एलिवेटर धान लेके जाता है उसमें। जी जी, इसमें इसकी क्लीनिंग होती है, फोड़ाई होती है, इसको धान फोड़ाई में मतलब क्या, धान को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है जी। फिर धान तोड़ने के बाद इस एलिवेटर में जाती है नीचे से जी, इस एलिवेटर में धान इसमें लेके आता। अच्छा, है इस बार उसमें पीछे है। हाँ, अच्छा। इसमें लेके आता है, इसमें चावल पॉलिशिंग वगैरह होती है। अच्छा, इसको खोलेंगे जरा, इसमें पॉलिशिंग सेम चीज होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको खोल दे रहे हैं, बंद है। यहाँ से ये पॉलिशिंग वाली सेक्शन हो गई, ये पॉलिश, ये देखिए यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, इधर से दिखाएं इसमें भी ये वाले जी। और इसके बाद यहाँ से पॉलिश होकर के सर चावल यहाँ से निकल जाता, चावल निकलता है। आइए आपको इसमें एक जो एक्स्ट्रा स्टेप है वो बताएं जी। ठीक है, इसमें सेफ्टी का ज्यादा ध्यान देते हुए ध्यान रखता है, सेफ्टी का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, यहाँ पर एक जाली लगी है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें धान तोड़ा जाता है, जो धान तोड़ा, जो भूसी होती है, भूसी देखिए यहाँ से जाती है इसमें, भूसी इसमें जाती है, यहाँ से ये भूसी हुई और ये पाइप के थ्रू आएगी, भूसी इसमें आएगी, इसमें आएगी। ठीक है, भूसी इसमें आई, ये क्या करता है, भूसी को एकदम पीस देता है। इसमें पत्थर वाली चक्की है, इसमें पत्थर वाली चक्की, इसमें हमने ब्लेड लगाई। अच्छा, ब्लेड है, इसको ग्राइंडर हम कह सकते हैं, हैमर कह सकते हैं। इसमें पूरी भूसी इसको एकदम पीस के आटा बना देती है। अच्छा, और हमने ब्रान को भी इसी में मिक्स कर दिया है, ब्रान भी आता है इसी में, भूसी भी, दोनों मिक्स होके ये जल्दी जल्दी टैंक में स्टोर करना, आप टैंक में स्टोर कर लो, बोरे में डायरेक्ट भरना है तो बोरे में भर लो। अच्छा, ये मशीन इसीलिए बनाई गई, इसलिए बनाई गई है। और ये जो मिक्सिंग वाली जो प्रक्रियाएं हैं, इसका फायदा क्या हो जाता है? इसका जो भूसी हमारे किसान भाइयों की वेस्ट जाती थी, अब वह ब्रांड के रेट में लमसम लमसम उसी रेट में जाएगी, जो कि वो पशुहार में इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत कंपनियों को वो बेच सकते हैं जी। हाँ, ये मतलब सबसे फायदा हो गया कि एनिमल कैटल फीड में वो इस्तेमाल हो जाएगा, और पोल्ट्री फार्मिंग एनिमल कैटल फीड में ही इस्तेमाल यूज हो जाएगा आराम से, क्योंकि वो बहुत पौष्टिक होगी। अब पहले क्या होता था कि भूसी था तो लोग वो सस्ता मिलता भी था, 1 रुपए 1.5 रुपए में चली जाती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी चली जाती थी, कई कई जिला में कस्टमर ले भी लेता था जी। थोड़ा सा यहाँ पे सर, चूंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और सर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, थोड़ा सा अगर काम स्टॉप करवा दें, क्योंकि नॉइस आ रही है, बात करने में दिक्कत हो रही है, मैं बंद करा दे रहा हूँ। अच्छा सर, की बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो यहाँ पे सैकड़ों काम हो रहे हैं, हर एक पार्ट्स यहाँ बनाए जाते हैं, मशीनें बनाई जाती हैं, तो चलिए सर अब कुछ जाके नॉइस कम हो गया है, तो यही बात पर हम आ रहे थे कि भाई सिर्फ भूसी जो है वो सस्ते में मिलती है, लेकिन वहीं अगर ब्रांड के साथ हम पीस करके दें, मिक्स कर दें, तो उसका रेट, उसकी क्वालिटी और उसका यूजेस बढ़ जाता है, इसका यूज बढ़ता है। क्या आपके पास कोई सैंपल दिखाइए? अच्छा, यहाँ पर रखे भी हुए हैं, ये बोरे में है, ये देखिए, ये
अरे वाह, ये देखिए दोनों यानी कि इसमें दोनों मिक्स है, कोई कह पाएगा कि इसमें ब्रांड भूसी दोनों मिक्स है? वाह, एकदम महीन आटे जैसे। और ये कैटल फीड में तो सर ये अपना बना लें आराम से। आप देख लीजिए, आप खुद जानते हैं इसको कैटल फीड में कितने। और ये 1.5 रुपए के बजाय अब सर यही चीज बिकेगी, मुझे लगता है 10-12 रुपए, 10-12 रुपए कम से आराम से, क्योंकि भाई ब्रांड जो होती है ना वो महंगी होती है। तो आइए थोड़ा सा और हम लोग इस पर बात कर ले सर, ये जो है इसके थोड़ा रख रखाव पे भी हम लोग बात कर ले कि इसमें क्या क्या घिसते वगैरह हैं, क्या क्या बदलने की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस वगैरह की। इसमें जैसे जो घिसने वाले आइटम हो गए, रबड़ हो गया जी, पत्थर हो गया जो चावल पॉलिश करता है, बेल्ट हो गया, बस बाकी ये तीन चीजें पे विशेष ध्यान देना है, रबड़ पत्थर बेल्ट पे जी, ठीक है। बाकी चादर के जो आइटम है, जो लंगोटी वगैरह आप धीरे धीरे जान जाओगे, वो घिसते हैं वो 300-400 रुपए में बदल जाते हैं, बाकी इसमें कोई भी चीज खत्म घिसने वाली है नहीं। अच्छा, कुछ कुछ चीजें जो हैं जहाँ वो मुझे दिख रहे हैं वहाँ पे, तो वो कास्ट आयरन, देखिए अभी ये देखिए, ये देखिए पूरा पंखा हमने कास्ट आयरन का यूज किया जी, ये देखिए पूरा कास्ट आयरन ढलुआ होता है, इसे ढलुआ कहते हैं। कास्ट आयरन और लोहे के लोग लगाते हैं, इसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए दोनों में फर्क क्या है। देखिए लोहा आपका घिस जाएगा, जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर बता दें, जैसे मान लीजिए अब ये पाइप मान लो, ठीक है, इसमें से ब्रांड जाएगा या भूसी जाएगी तो ये पाइप घिस जाएगी, खत्म हो जाएगी, घिस जाएगी, छेद हो जाएगा, हो जाएगा, लोहे की भी पाइप हो तो भी। अभी कास्टर नहीं, ये कितना भी हो जाए कभी घिसेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा, ये ज्यादा बेटर है। हाँ, ये सबसे बेटर ऑप्शन है, इस पे लागत बढ़ जाती है लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, और सर इसके प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात कर ले, किसान अगर इस राइस मिल का उपयोग करते हैं तो ये इसकी घंटे में कितने ये धान कूटेगा? ये कम से कम 5 से 7 क्विंटल नरम धान पे, सूखे धान पे 12 से 13 क्विंटल, 14 क्विंटल तक भी मशीन है, 14 क्विंटल तक हाँ आपको ले जाएगी, 12 क्विंटल, 13 क्विंटल, 14 क्विंटल तक इसकी क्षमता रहती है। अच्छा, और इसकी जो मोटर है सर, ये तो जनरली ट्रैक्टर से चलेंगे, हाँ, तो ट्रैक्टर के इंजन पे बुरा असर तो नहीं आएगा? क्या असर आएगा आप इसमें, मैंने आपको बताया ना, इसमें मैंने बैलेंसिंग रखी, इसमें वर्म सिस्टम हटा दिया, जो मैंने अच्छा। आपको एक मशीन के बारे में और बताया जी, था वर्म सिस्टम एक बार फिर से दोहरा दे जरूर से। क्या होता है कि जो हमारे ये पॉलिशर हमने पेटेंट करा रखा है, ठीक है, ये पॉलिशर हमने पेटेंट, जो लोगों का पॉलिशर होता है, जो अदर कंपनी का पॉलिशर होता है, वो क्या होता है, दो पत्थर के बीच में एक पाइप लगी होती है, उस पाइप से ये नुकसान है, वो ट्रैक्टर पे लोड बैठाता है, कम से कम 5 से 7 हॉर्सपावर का ट्रैक्टर पे लोड बैठाता है, और कम से कम चावल का 5 से 7% टूटन बैठाता है। अच्छा, हाँ, वही चावल का टूटन आ जाता है, टूटन आ जाता है, वो टूटन से बच जाएगा, वो टूटन से बच जाएगा, ट्रैक्टर तेल कम पिएगा क्योंकि लोड कम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये पॉलिशर हमारा पेटेंट है। वाह क्या, और इस पॉलिशर में कंपन नहीं है, इस पूरी मशीन में कंपन ना के बराबर है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा सर ये मशीन। और देख लीजिए भाई, विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स जो कि कश्मीरिया चौराहा NTPC रोड टांडा अम्बेडकर नगर, यहाँ से नजदीक का स्टेशन कितनी दूर है सर आपके यहाँ कोई आना चाहे तो? कैसे, अकबरपुर रेलवे स्टेशन है, अकबरपुर रेलवे स्टेशन, हाँ, वहाँ से आप ऑटो पकड़ के आ जाएंगे 20 मिनट में 15 मिनट में, यहाँ मेन रोड पे आप आ जाएंगे जी। और ये जो पूरा ये डब्बा बनाया है पीछे, इसकी गेट, इसमें क्या रखते हैं? इसमें ये रखते हैं, जैसे इसमें हमने क्या बनाया कि इसमें दोनों मिक्स होकर यहाँ पर आराम से स्टोर हो जाए। अच्छा, जैसे आज के टाइम पे आदमी जाता है कि सब चीज स्टोर मिले, तो ये अंदर अपना स्टोर कर, अपना डायरेक्ट उसी में आता रहेगा माल, इसी में स्टोर होता रहेगा, तो भूसी अपना ब्रांड दोनों के साथ, हाँ, दोनों मिक्स होकर स्टोर होगा। आप घर जाके इसको खाली कर लो, या आप चाहते हो तो टैंक हट जाएगा उसी जगह साइकिल लग जाएगा, डायरेक्ट माल बोरे में भरते रहो। वाह क्या बात है। और देखिए इधर दिखा सकते हैं आप, बहुत बड़े स्पेस में फैक्ट्री है, मतलब जिधर देखिए काम हो रहा है, और ये काफी फैला हुआ है, तो इसके लिए सब जो आप लोग असेंबल करते हैं, हाँ? सब अलग अलग सेक्शंस में पार्ट्स तैयार किए जाते, हाँ, हैं ना, सब अलग अलग यहाँ पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, टर्निंग होती है जी। और ये जो लोहा इस्तेमाल करते हैं सर, इसमें किस क्वालिटी के लोहे डालते हैं? सब ए क्लास की क्वालिटी का लोहा डालते हैं, क्योंकि हमको क्वालिटी से मतलब है। सही बात है, कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है और 45-40 साल से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो शायद क्वालिटी और गुणवत्ता की बदौलत ही। तो सर उत्तर प्रदेश में आप हैं, बहुत सारे आपके देश में डीलर भी हैं, बिहार में क्या अभी डीलरशिप है? बिहार में हम डीलर के लिए बरसात बाद ही आएंगे, बिहार में आना है। अच्छा, बिहार में आना है, तो बिहार में आ जाए सर, स्वागत है आपकी कंपनी का बिहार में। और हमारे किसानों को भाई समृद्धि चाहिए, और समृद्धि के लिए उन्हें आधुनिक मशीनों से जुड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जरूर विजिट करें विश्वकर्मा फाउंड्री वर्क्स को, शानदार शानदार मशीनें यहाँ पे उपलब्ध हैं, और कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में और कुछ नई मशीनों को लेकर के आएं। मिलते हैं बहुत जल्द नई एपिसोड में नई जगह पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।